Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, English movies expression देखते हैं. तो ये जो expression है, ये मैंने एक पुरानी English movie में मैंने expression को देखा था, वहाँ से मैंने note किया है. Bun in the oven, इसका नाम है bun in the oven. इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई pregnant हो. अगर कोई pregnant है तो वो कहेगी कि ओ यू नो आई हैव बन इन द ओवन, या हम उसे देखकर कह रहे हैं कि ओके इट सीम्स दैट शी हैज़ बन इन द ओवन. तो जब आप बन इन द ओवन बोलेंगे तो यहाँ पर आपको अलग से वो पोजेशन दिखाना पड़ेगा. आपको हैव, हैज़, हैड ये दिखाना होगा, यू नो. तो बन इन द ओवन का मतलब तो है ठीक है टू बी प्रेग्नेंट, बट इधर आपको ये पोजेशन दिखाना होगा. तो आप समझ गए बन इन द ओवन टू बी प्रेग्नेंट या टू बी एक्सपेक्टिंग अ बेबी. सो एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर यहाँ है कि फाइनली आई हैव गॉट द बन इन द ओवन, एक महिला कह रही कि फाइनली आई हैव गॉट, तो यहाँ पर देख रहे हैं आई हैव गॉट द बन इन द ओवन. यहाँ गॉट क्यों लगा है? इंग्लिश जो अमेरिकन इंग्लिश वगैरह में ऐसे भी कहा जाता है, जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव अ पेन तो वो कहेंगे आई हैव गॉट अ पेन, ऐसे बोलते हैं आई हैव गॉट अ पेन. तो पूछना है कि डू यू हैव अ पेन, इसकी जगह हैव यू गॉट अ पेन ऐसा बोला जाता है, आपने सुना होगा. तो उस अंदाज में यहां पर है कि फाइनली आई हैव गॉट द बन इन द ओवन, यानी कि फाइनली आई एम प्रेग्नेंट. इट सीम्स शी हैज अ बन इन द ओवन, इट सीम्स ऐसा लगता है या लग रहा है दैट शी इज प्रेग्नेंट. तो शी हैज अ बन इन द ओवन, आपने किसी अपने पड़ोस में किसी महिला को देखा और देखकर ऐसा लगा कि यार ये तो प्रेग्नेंट लग रही है, तो आप कह सकते हैं कि इट सीम्स शी हैज अ बन इन द ओवन. सो बन इन द ओवन ये उनका एक्सप्रेशन है. आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल ईयर्स शी गॉट अ बन इन द ओवन, इनकी काफ़ी सालों तक ट्रीटमेंट चला, अब फाइनली क्या हुआ कि शी गॉट अ बन इन द ओवन, यानी कि फाइनली वो प्रेग्नेंट हो गई. आई एम एक्सटैटिक, मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई गॉट अ बन इन द ओवन, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ. तो ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है. तो आप फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों में, रिश्तेदारों में जब इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिले तो आप कह सकते हैं कि शी हैज़ अ बन इन द ओवन, यानी कि शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी. करेक्ट गाइस, आई होप कि आपके समझ में आया होगा. तो चलिए, अब तक 18 एक्सप्रेशंस मैं दे चुका हूँ, इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा. तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.